हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम या भर्ती आने वाली वैकेंसी वो कब आएगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो काफी वीडियोस है यूट्यूब पे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को कि कहाँ कौन सी कब वैकेंसी आने वाली है। हेलो गाइस, आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती 2022 में आने वाली है या नहीं आने वाली, उसका अपडेट क्या है। अभी हाल ही में स्टूडेंट्स द्वारा काफी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि हाँ कब आने वाली है और कौन कौन एग्जाम्स दे सकता है, कितनी पोस्ट के आने वाली है। ये कंप्लीट क्वेश्चंस आज इस हम वीडियो में कंप्लीट इन क्वेश्चन का जवाब देंगे और ये काफी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आपके लिए, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर दोस्तों आपने अपस्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर पे, ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जैसे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो अगर सिलेबस बेसिस पे आपको प्रिपेयर करनी है, क्वेश्चन सीरीज में आपको क्विज खेल के और आपको क्विज का आंसर देके आपको तैयारी करनी है, तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्ले स्टोर पे अपस्टडी ऐप दिया गया है, वहां से जाओ डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन लिंक दिए गए हैं वहां पे अपस्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का, जो काफी बार पूछा गया है और अभी ये जायज भी है एक तरीके से, क्योंकि जैसे वैकेंसी जब भी आती है तो उसमें कुछ चेंजेस होता रहता है। तो जैसे पटवारी वाली एग्जाम हुई है तो पहले ये 12th बेसिस पे होती थी, लेकिन अभी क्या है कि ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे चल रही है। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे ये एग्जाम हुई, लेकिन जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जो 2022 के आने वाली वैकेंसी वो 12th बेसिस पे ही होने वाली है। तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि ये ग्रेजुएशन के बेसिस पे हो। तो एक बार मान के चलिए, अगर एग्रीकल्चर का बच्चा है, ठीक है, एग्रीकल्चर का बच्चा, आप एग्रीकल्चर के बच्चे की एक एक्सट्रीम अलग से माने, तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ही एग्जाम दे सकता है 12th बेसिस पे। अनदर कोई एग्जाम नहीं है अगर यही ग्रेजुएशन बेसिस पे करेंगे तो काफी अलग हो जाएगा। तो काफी कम चांस है कि ये 12th ग्रेजुएशन बेसिस पे, ये 12th बेसिस पे भी होने वाली है। तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बेझिझक होके, और 100% ये 12th के बेसिस पे ही होने वाली है। काफी बार इसके रिगार्डिंग जो बीएससी एग्रीकल्चर से बच्चे कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, उन्होंने काफी बार स्ट्राइक भी की इस बेसिस पे कि हाँ जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम हो वो ग्रेजुएशन बेसिस पे हो। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 12वीं पास का ही होने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे स्टूडेंट है उनके द्वारा, काफी बार कमेंट भी किया गया है, और ये आपका ये क्लियर हो गया। अब बात करें तो एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में काफी बार क्लिक करता है। तो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी का 2022 का, लेकिन श्योर है ये 2022 के अंदर अंदर आराम से आपको वैकेंसी मिलने वाली है। तो आप वैकेंसी पर ध्यान ना रख के अगर आप वैकेंसी की तैयारी करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि जो आपको एक सीट से मतलब है, आपको किसी और से मतलब, क्योंकि वैकेंसी तो 100% आएगी ही आएगी। तो माइंड में ये मत रखिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करोगे तो वो इतनी बेटर तरीके से आप नहीं कर सकते, लेकिन वैकेंसी आने से पहले अगर उस चीज के पीछे आप लग जाते हो तो 100% आप उस एग्जाम्स को क्रैक कर दोगे। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 6 month 5 month में जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने वाले हो एग्जाम आने के बाद में, तो आप गलत हो। अगर आपको फाइट करना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है, तो अभी से आप तैयारी के लग जाइएगा। तो हमारे YouTube चैनल पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर है, जो राजस्थान जीके है, सिलेबस के अनुसार हम क्लियर करेंगे वो चीजें, कि सिलेबस के अनुसार आपकी वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज करके कोर्स की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो, ये काफी हेल्पफुल होने की। आपको इजीली एक पोस्ट चाहिए तो वो एक पोस्ट के लिए आपको
अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आने वाली है 2022 में डेफिनेट आएगी, 100% है, लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए, आपको उसको क्रैक करने के लिए अभी से आप तैयारी पे जुट जाइए। आप ये मत देखिएगा वैकेंसी कब आने वाली है, वैकेंसी आने के बाद में मैं तैयारी करूंगा, तो आप ये बिल्कुल गलत हो। अगर क्रैक करना है, अगर जिन जिन बच्चों ने क्रैक किया है आज तक उनको आप पूछो तो उनका एक ही परफॉर्म वाला कि उन्होंने स्टार्टिंग से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। 12th बेसिस पे है तो आप अपने एग्रीकल्चर क्लियर कर दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत एग्रीकल्चर में आके राजस्थान जीके में आती है, तो जीके अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम इंग्लिश में होती है क्या, ये क्वेश्चन पूछा था हमारे एक स्टूडेंट ने। तो हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी इससे एग्जाम को दे सकते हैं, उनको 12th क्लास एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है, तो एग्रीकल्चर एग्जाम जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी दे सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको क्लियर मिल चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकेंसी कितने पोस्टों की आएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डाउट मत रखिएगा, ये 500 प्लस ही आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा जो भी वैकेंसी आएगी 500 प्लस ही आएगी। तो आप वैकेंसी की पोस्टों पे ना ध्यान रखकर अगर आप तैयारी करने के लिए जुट जाते हो तो आपको एक पोस्ट की जरूरत है, ना कि पोस्टों से मतलब है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे कि ज्यादा पोस्ट रहेंगी तो ही मैं फॉर्म फिल करूंगा, तभी मैं तैयारी करूंगा। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रख के अभी से तैयारी पे जुट जाइए, जिससे आपकी एग्जाम जो क्लियर हो आराम से क्लियर हो जाए, दिक्कत भी नहीं आए आपको। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए रहिएगा। हम जो लेटेस्ट अपडेट आने वाले हैं, जो जेन्युइन तरीके से जो अपडेट आएंगे, आपको मिस गाइड नहीं करने वाले, यहां से जो आएगा जेन्युइन अपडेट आने वाला है तो ही हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है, अन्यथा हमारा इस पे कोई भी फ्रॉड प्रकार की, जैसे काफी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला कि आपको लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, ये वैकेंसी अब आएगी, ये आने वाली है, तो ये नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट आने वाला कंफर्म होगा तो ही यहाँ पे अपडेट आने वाला है, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पास बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जो लेटेस्ट अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो अपकमिंग आने वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहिएगा। अगर आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस के बेसिस पे कीजिएगा, कभी भी सिलेबस से हटके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर उसमें क्लियर करना है तो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। अगर राजस्थान जीके देखना है तो राजस्थान जीके की क्लासें अभी करंट चल रही है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्रीकल्चर उसकी क्लासेस भी इस यूट्यूब चैनल पे चल रही है, और बाकी की जो रिमेनिंग क्लासेस है, अगर आने वाले दिनों में हिंदी और जितने भी और क्लासेस आती उनकी भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी तैयारी यहां से ही हो जाएगी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।